गुड मॉर्निंग बद्रीनाथ। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और टेम्परेचर है भाई यहाँ का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो उल्टा दिखाई दे रहा है मिरर में 5 डिग्रीज। सो 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ का फिलहाल। और आफ्टरनून में मोस्ट प्रोबली बारिश भी हो सकती है, मतलब एज पर एक्यू वेदर। सो अभी फिलहाल दर्शनों के लिए चलते हैं बद्री विशाल के, और आपको भी दिखाते हैं कि कहाँ तक दिखा सकते हैं भाई सारी चीज़ें। फिलहाल मैं फ़ोन ही लेके चलूँगा, मोटो व्लॉग तो करेंगे नहीं भाई। और उसके बाद देखते हैं चेकआउट का क्या सीन करना है। चलिए फिर मिलते हैं आगे दर्शनों पे। गुड मॉर्निंग बद्रीनाथ। सो गाइस देख लो सनराइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना बद्री विशाल के पहाड़ों पे। और ये देखो क्या विशाल का है माउंटेन्स है भाई। सामने देखो भाई क्या ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है ना। सो ये इसलिए रात में ना आना ठीक नहीं था क्योंकि सिंगल लेन है, रोड बहुत ही स्टीप है। बट अब चल के करते हैं बद्री विशाल के दर्शन, क्योंकि मोटो व्लॉग में कर नहीं रहा हूँ। सो इसीलिए अब चल के बद्री विशाल के जल्दी से दर्शन करते हैं और फिर चेकआउट का टाइम हो जाएगा 11 बजे तक। चाय वाय भी पीनी है, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी करना है आके। सो लेट्स सी कैसा रहता है। और बद्री विशाल के बहुत भव्य दर्शन हो गए, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ भगवान का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और देखते हैं भाई जल्दी से बाबा केदार भी बुलाएंगे तो फिर केदारनाथ भी देखेंगे जल्दी। जय हो, जय बद्री विशाल, जय भोलेगी। सो गाइस एक तरफ बाबा के दर्शनों की ललक है कि भाई जल्दी से जल्दी दर्शन हो, एक तरफ ये नज़ारे हैं भाई जो कि अगर जो रिकॉर्ड नहीं किया गया ना तो आप लोगों की सब बेईमानी होगी भाई साहब। गाइस ये वाला व्यू चेक करो, मतलब डैम वैम से निकल के आ रहा है कुछ, बड़ा ही प्यारा व्यू है यार। ये देखिए अभी मंजिल बहुत दूर है भाई। सो गाइस ये वाला व्यू चेक करो भाई, क्या जबरदस्त लग रही है ना भैया। तो नज़ारे ही नज़ारे हैं, बट ये है कि अगर मैं रिकॉर्ड करने पे आ जाऊँ ना तो एक तो मैं ड्रोन नहीं लेके आया, सबसे बड़ी चीज़। बहुत नज़ारे हैं भाई इधर, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि एक दो दिन यहाँ पे रुक जाओ। गाइस बद्री विशाल रह चुका है तकरीबन 4 किलोमीटर और 507 किलोमीटर अपने पूरे हो चुके हैं माइलस्टोन। सो ये मेरी पहली राइड थी गाइस, ये अपनी पहली राइड थी। और मतलब इतने किलोमीटर्स पे पहली राइड थी भाई, मतलब ड्राइव तो मैंने करी हुई है मनाली तक, वो भी 550 किलोमीटर बैठता है, बट ये पहली राइड थी भाई जो 500 किलोमीटर। अब मतलब आने में और 500 किलोमीटर जाने में तो 1000 किलोमीटर्स की राइड भाई, तो अमेजिंग जर्नी है अमेजिंग। बट ये माउंटेन्स भाई देखो क्या ही रेंज है यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ये देखो ऊपर ना हल्की हल्की स्नो भी है शायद, वो देखो सामने भी है, ये तपोवन तो नहीं है सामने। बहुत ही अल्टीमेट वाली रेंज है यार, मतलब मैं रात भी बोल रहा था कि इस तरह की जो है माउंटेन रेंज मैंने नहीं देखी है भाई, बहुत ही अल्टीमेट। और नीचे देखो भाई रिवर, मज़ा ही आ गया यार। तो गाइस ये कतार टोकन काउंटर है, अपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा ना वहाँ से रजिस्ट्रेशन दिखा के अपना QR कोड ये स्कैन कर देंगे और अपना टोकन मिल जाएगा।
चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। भाई साहब क्या पी गया यार, क्या गजब है यार। सो गाइस बाइक लगा ली मैंने यहाँ पे अपनी, ये सी छोटी सी मार्केट है और बद्रीनाथ मंदिर के लिए अब यहाँ से चलिए चलते हैं। भाई ठंड बहुत है भाई, कैप वगैरह और जैकेट्स वगैरह मैं लेके नहीं आया, जल्दी जल्दी ना, बट फिर भी एक टी शर्ट पहन ली थी, ये ऊपर से पहन लिया था स्वेटशर्ट, और पैरों में ठंड लग रही है बस। सो यहाँ की कुछ छोटी सी मार्केट है भाई, मैंने भी लिया सारा सामान है वैसे यहाँ। छोटी छोटी सी रेस्टोरेंट है, क्या पिट्ठू है क्या पिट्ठू। इतने कष्ट लेने के बाद बाबा के बढ़िया से दर्शन हो गए, जय बद्री उषा। देखो मार्केट बड़ी सुंदर सुंदर सारी चीज़ें हैं भाई, देखो भाई पहुंच चुके हैं। जय श्री बद्री उषा। भीड़ तो है भाई, अच्छी खासी भीड़ है, बट अब आए हैं तो अच्छे से दर्शन करेंगे भाई। श्री बद्री विशाल प्रभाव देखो भाई साहब कितना तेज है। ये कौन सा कुंड है, ये हेमा कुंड का नाम क्या है इसका, गरम कुंड, गरम कुंड, अलकनंदा, अलकनंदा। जय हो। चलिए फिर चलते हैं बद्री विशाल के दर्शन करने, दिख तो गए हैं। जय हो। आज तो मतलब क्या ही बोलो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट चलिए फिर चलते हैं नीचे की तरफ, भीड़ तो बहुत है भाई, भीड़ तो अच्छी खासी लग रही है भाई। सो जो सारे पेन लिए है ना, अब वो सारे पेन निकल गए हैं भाई मंदिर पे आने के बाद में, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये नर पर्वत है, नर पर्वत कितना अच्छा लग रहा है। जय बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल, जय हो। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री बद्री विशाल। दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, और अब चल रहे हैं पहले होटल की तरफ जोशीमठ, फिर उसके बाद निकलेंगे दिल्ली। जय बद्री विशाल। ये देखो गाइस स्वास्थ्य की बनी हुई शिला, सब ये माउंटेन देखो यार कितना ऊंचा है, शिला रखी हुई है सामने और
ये व्यू तो भाई अमेजिंग है। जो है टी और पकौड़े, सो लेट्स गिव दैट अ ट्राई। सो गाइस एक कमेंट था कि ट्रिप की कॉस्ट बताओ, तो ट्रिप की कॉस्ट कुछ ऐसे रही थी, 3000 का मेरा लगा था पेट्रोल। बाइक के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी बाइक स्प्लेंडर है या फिर आरी है या फिर कोई और बाइक है, तो उसके पेट्रोल के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना कंज्यूम करती है। सो मेरा लगा था मीटियोर 350 पे 3000, और 2500 होटल की कॉस्ट थी मेरी क्योंकि मुझे इमरजेंसी में लेना पड़ा था। और वैसे तो लॉजेस भी है वहाँ पे 500 to 1000 में भी आपको रूम मिल जाएगा, बट क्योंकि बारिश भी होने वाली थी ऐसा लग रहा था, और नाइट मुझे 11 बज गए थे, तो मुझे इमरजेंसी में होटल जो था वो लेना पड़ा। सो होटल वेरी करेगा, और 1000 के अराउंड मतलब खाना हो गया, पीना हो गया, जैसे कि बॉटल्स वगैरह ले ली या फिर शिकंजी ले ली बीच में। और वैसे ढाबे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 100-100 रुपये में अपना खाना हो जाता है। तो बीच में मैंने एक दो पिज़्ज़ा खाया था इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। सो टोटल कॉस्ट 3000 पेट्रोल, 2500 होटल, 1000 खाना पीना। सो पर एक जने के लिए मतलब और एक ट्रिप की बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट है ये, 6500 में आप बद्रीनाथ आराम से हो के आ सकते हो गाइस। सो ये मेरे ट्रिप का खर्चा था।